क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम बिहार में। मुजफ्फरपुर में बीते दिनों पारू थाना के मुकुंदपुर गांव में आयोजित एक समारोह के दौरान भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह एवं राजद के दबंग नेता तुलसी राय के बीच हुए विवाद व आपसी झड़प में पुलिस प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्यवाही करते हुए विधायक राजू सिंह के आवास सहित पटना के आवास पर कार्यवाही की गई। पर जिला भाजपा के नेताओं ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बिहार के महागठबंधन सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि जो खुद हत्या, लूट और अपहरण को अंजाम देता रहा, उसके अपहरण की बात किसी को मजाक से कम नहीं लग रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने आगे क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, सत्ता के इशारे पर विपक्ष के जनप्रतिनिधित्व और सत्ता संरक्षित अपराध को पुलिस प्रशासन बढ़ावा दे रही है। जो व्यक्ति खुद हत्या, अपहरण और लूट में संलिप्त रहा हो, उसके अपहरण की बात की जा रही है। तुलसी राय, जो राजद के एक दबंग नेता हैं, उनके ऊपर इस जिले से लेकर के बेगूसराय जिले तक में 20 से अधिक संगीन मामलाएँ हैं। वो सरकार के द्वारा उन पर सीसी एक्ट तक लगाया जा चुका हुआ है, अभी जेल से बाहर है और वो उल्टा अपहरण की अपनी बात कर रहे हैं। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एक बार फिर से बीजेपी नेता आरसीपी सिंह पर हमलावर दिखे। आपको बता दें कि बीजेपी से अलग होने के बाद लगातार महागठबंधन और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। बिहार शरीफ में आयोजित खरीफ अभियान 2023 कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए एक बार फिर से कटाक्ष किया। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जिस तरह से आरसीपी सिंह जेडीयू में रहकर काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने पार्टी को बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का काम किया, जिसका नतीजा रहा कि हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के भी तेवर के साथ मजबूत करे, तब बीजेपी 40 में से 40 से सीटों पर क्लीन स्वीप कर देंगे। आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है तो निश्चित रूप से उसके अंदर बेचैनी है, परेशानी है और बिहार के नेता लोग और ज़्यादा बेचैन हैं। चाहे विरोधी दल के दो नेता हों, चाहे सम्राट चौधरी जी हों, चाहे विजय कुमार सिन्हा जी हैं, ये दोनों बेचैन हैं क्योंकि इनको अभी मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोधी दल बनने का, एक को प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। लगता है कि अगर एक भी सीट बिहार में नहीं जीते तो हमारी छुट्टी सुनिश्चित है। नालंदा जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शख्स सरेआम बंदूक से फायरिंग करता नजर आ रहा है। वीडियो कराए परशुराय थाना क्षेत्र के मखदुमपुर गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में गांव निवासी सुनील यादव नाम का युवक देशी पिस्तौल से फायरिंग करता नजर आ रहा है। वहीं दूसरे शख्स की पहचान नहीं हो पाई है, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस वीडियो में दिख रहे दूसरे शख्स की भी पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने लोगों से इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां अवैध हैं और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पुलिस ने लोगों को चेतावनी भी दी कि अगर वे इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए गए तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा।
दिल्ली में नीति आयोग को लेकर जहां 8 राज्यों के मुख्यमंत्री ने बैठक से किनारा कर लिया, वहीं जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बिहार शरीफ सर्किट हाउस में नीति आयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर चुटकी लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीति आयोग नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का आयोग है, इसलिए जेडीयू ने नीति आयोग की बैठक से किनारा कर लिया। आज तक केंद्र की सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया है? बिहार पिछड़ा राज्य होने के बावजूद नीति आयोग के द्वारा अभी तक इस पर पहल नहीं की गई। सभी पार्टियों ने बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग की थी, लेकिन नई नीति आयोग ने इस पर कोई पहल नहीं किया। वहीं नए संसद भवन पर सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन होना अच्छी बात है, लेकिन अभी तक नए संसद बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है और आनन फानन में इसका उद्घाटन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को डर है, इसलिए 2024 से पहले इससे संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी 2024 के पहले नए संसद भवन का उद्घाटन कर इसका क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को इस नए संसद भवन के उद्घाटन से दूर रखा गया। इसको किस प्रकार से पर हम क्या बोल सकते हैं भाई, नीति आयोग का जो नीति है वो सही रूप से लागू नहीं हो रहा है। आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आज तक नहीं मिला, उसका क्या कारण है? बिहार पिछड़ा राज्य है, हर क्षेत्र में बिहार पिछड़ते एक नया पटरी पर जब आया तो लोगों ने मांग रखा, बिहार के सभी पार्टियों के लोगों ने मांग रखा और उसके बाद भी नीति आयोग उस पर पहल नहीं कर रही। तो नीति आयोग थोड़े है, तो प्रधानमंत्री का आयोग है अपना, जो चाहते हैं वो होता है। रुकते ही छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। पहुँचेंगे हम वहाँ जहाँ हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल, पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू, खबरों में रफ्तार बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। के बाद आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी सिंह ने अपने पैतृक गांव मुस्तफापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का 101वां संस्करण को सुना। इस दौरान बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने राजद के द्वारा नई संसद भवन को ताबूत कहने के सवाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये तो अपनी अपनी सोच है, भारत वर्ष में लोकतंत्र पूरी तरह से जीवंत है, संसद भवन के अंदर हमारे जितने भी सांसद हैं देश के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, ऐसे जीवन लोकतंत्र के मंदिर को अगर आरजेडी इस ताबूत के नजरिए से देखती है तो आरजेडी की सोच साफ साफ झलकती है। अगर आरजेडी की सोच अभी यही है तो आने वाले चुनाव में बिहार की जनता इनको बता देगी कि इनकी हैसियत क्या है। उन्होंने आरजेडी के द्वारा नए संसद भवन की तुलना ताबूत से किए जाने को लेकर इस बयान की कड़ी निंदा की है। रह करके बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत जरूर किया, लेकिन इसका फलाफल ये रहा कि हमारी पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई। क्या बीजेपी में भी उसी तेवर के साथ? देखिए, एक बात मैं बता दूं, जिनका आप नाम ले रहे हैं ये सबको मैं जानता नहीं, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि खुद मान रहे हैं ना कि जब मैं था तो वो पार्टी गई बूथ स्तर पर और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत हुआ, तो बूथ स्तर पर संगठन मजबूत होगा तब ना पार्टी आगे जीतेगी। सीट काहे नहीं आया तो जरा पूछें कि क्या किया काम इन लोगों ने। आज बिहार में पहली बार तो 43 आ भी गया था ना, आगे जब चुनाव होगा ना, जिनका आप नाम ले रहे हैं ना,
कहिएगा जाएंगे नालंदा, नालंदा के लोग खड़े हैं उनके लिए, उनको पते चल जाएगा कितना वोट इस बार मिलता है। नवादा जिले के परना डाबर थाना के बागेश्वरी मोड़ के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान सिरदला थाना क्षेत्र के सुखनगर गांव निवासी के रूप में किया गया। बताया जा रहा है कि मृतक सिरदला बाजार से सब्जी लेकर बाइक से घर जा रहा था, तभी बागेश्वरी मोड़ के समीप एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद आनंद फानन ने पीएससी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुपौल के गांधी मैदान में राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय राजस्व सेवा में आईआरएस पद को परित्याग कर वैद्यनाथ मेहता ने राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता ग्रहण की मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हुए और नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बार बार कभी बदला नहीं। उन्होंने कहा कि हमने अपने पूर्वजों से सीखा है कि उसूलों पर जब आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नीतीश कुमार जी जो सपना देख रहे हैं वो सपना सपना ही रह जाएगा और उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिहार की जनता ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के लोग भी उन्हें छोड़ देंगे। कटिहार के कोड़ा गैंग का खौफ अब मोकामा तक फैल गया है। लाखों की लूट का खुलासा मोकामा पुलिस की स्पेशल टीम ने किया। पटना एसएसपी के आदेश पर स्पेशल टीम का गठन करते हुए लाखों की लूट करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया। मोकामा थानाध्यक्ष रामप्रीत कुमार, हाथीदह थानाध्यक्ष राकेश कुमार और आईओ विकास भारती ने लूट के पैसे को भी बरामद कर लिया। बता दें कि गैंग के सरगना के घर से पैसों को बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष रामप्रीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जल्द ही गैंग के मुखिया को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या मामला है? मामला है 26 मई को वही 12:30 के करीब एक घटना पता लगा था। एक व्यक्ति बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसा निकाला 4,90,000 रुपया। वो पैदल आ रहा था, उसका दो बाइक सवार व्यक्ति, एक आगे हेलमेट लगाया हुआ था पीछे बिना हेलमेट का था, और उनके द्वारा छीनतई की घटना की गई। थाना पे आगे सूचित किया, इसी आधार पर बड़ी पदाधिकारी के आदेशानुसार एक टीम गठन किया गया। उस टीम में थानाध्यक्ष हथदय एवं पुवनी विकास भारती और कांस्टेबल के साथ हम लोग अग्रतर कार्रवाई करने के लिए निकले। बड़े पदाधिकारी के आदेश पर और तकनीकी अनुसंधान के क्रम में और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से उस दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति का पहचान हुआ, वो कोढ़ा गैंग का पता लगा। छापेमारी की जा रही है, मेरी एक टीम सर के द्वारा जो है लगाई हुई है, उम्मीद है गिरफ्तारी अविलंब हो जाएगी। भागलपुर के मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के बदनूचक में एक ही कमरे में युवक और महिला के फंदे में लटका का शव बरामद हुआ है। रिश्तों में दोनों देवर भाभी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों किराए के मकान में रहते थे। मृतका का नाम राधा तो उसके देवर का नाम मुकेश बताया जा रहा है। कमरा अंदर से बंद था। एफएसएल की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची, कमरे को खोलकर जांच में जुट गई। घटना का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सिटी एसपी अमित रंजन ने मौके पर पहुंच पूरे मामले की जानकारी ली है। सिटी एसपी ने बताया आत्महत्या का मामला है, घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। उसका हस्बैंड फोन करके बोला हमको श्रीनगर से कि मम्मी बच्चा सब रोए छे से तो अपना आने के रखो से गेला से राधा को गले जाती के बर पुजार पहले गेलो छे। पटना किस लिए गई थी? पटना काम करती थी कोई डॉक्टर नहीं के पास, उसका क्लिनिक था वहाँ सबौर में भी है और पटना में भी है। यहाँ कब आई थी? कल 12:30 आई थी। हमको मालूम ना था, हम इधर कल 12:30 आई, कल हम बच्चा दोनों को ले गए थे 10:30 बजे। यहाँ रहते थे?
हम बगल में किराया रहते हैं, मंदिर है ना खपड़िया बाबा जी, वहीं पर हम रहते हैं। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।